अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ डेली रेसिपी किचन में। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, ये हमने वील का लिया है, मतलब बच्चिया का। आप बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। इसको हम लोग तेज़ आंच पे पहले उबाल आने देंगे, इसको बॉईल करेंगे, इसका झाग जो होगा उसको फेंक देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जी, हमने इसका झाग फेंक दिया है। मेरा जो गोश्त है ना वो फ्रीज हुआ हुआ है, मेल्ट नहीं है, इसलिए आपको ऐसे साबुत साबुत नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बस ये थोड़ी देर में खुल जाएगा इसी में। ओके जी, अब हम इसमें आधा किलो गोश्त है हमारा ये, इसमें हम एक पाव दाल डालेंगे, चने की दाल। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है साबुत लाल मिर्च 12 अदद, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग है, ज़ीरा है और काली मिर्च है साबुत। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम अब इसमें डालेंगे आधी प्याज है हमारे पास, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया। साबुत लहसुन ले लिया हमने 4 जगह, और थोड़ी सी अदरक, और ये नमक है मेरे पास 1.5 चम्मच। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तकरीबन मैं इसको आधा घंटा पकाऊंगी, उसके बाद चेक करूंगी, अगर गल गया होगा तो ठीक है, इसको हम पीस लेंगे, और नहीं गला हुआ तो इसको हम और पकने देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये देखें, हमारा गोश्त और दाल दोनों चीज़ें गल गई हैं। अब हम इसको सिल पे पीस लेंगे। देखें, मैंने इसको सिल पे पीस लिया है। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग हमारा इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कबाब का शेप देंगे। ये हमारे शामी कबाब का ही तैयार है। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका नमक या मिर्चें कम है तो आप इसमें ऐड कर लें। कुटी भी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं आप इसमें, पिसी भी नहीं, क्योंकि हमने साबुत लाल मिर्च डाली थी, तो मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें मैंने थोड़ी सी ऐड की हैं, मुझे मिर्चें कम लग रही, नमक मेरा परफेक्ट है। अब मैं इसके शामी कबाब बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हम इसको, मैंने तो इसको सिल पे पीसा है, आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिल का जो मज़ा है ना वो ज़बरदस्त होता है। ये देखिए जी, मैंने इसकी शामी कबाब की टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं आपको इसको तल के दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप में, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा सिल पे पीस के, इसको बहुत मज़े के बनते हैं सिल पे पीसे हुए। चॉपर का अपना मज़ा है, लेकिन सिल का मज़ा अलग ही होता है। अब हम कबाब को तलेंगे। हमने ऑयल को हीट कर लिया है, हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे शामी कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारे शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी, और आपने बनाई तो कैसी बनी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।